वेलकम बैक पीएचआमी टू द चैनल जहाँ पे गाइस आज एक बार फिर से अपन आ चुके हैं पोकेमोन मेमोरीज के अंदर। और भाई पिछली बार अपन आ गए थे इस जगह पे और साथ ही साथ भाई पिछली बार अपन ने काफ़ी सारे नए पोकेमोन्स पकड़े थे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी भाई कुछ पोकेमोन्स में मतलब अपनी टीम में मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए, जिससे कि आप लोग देख सकते हो भाई अपन ने लास्ट टाइम होवेन की तीनों स्टार्टर पोकेमोन को पकड़ा था और उसमें से दो को भाई मैंने यहाँ पर लेवल अप करके और उनको थोड़ा इवॉल्व करके भाई अपनी टीम में रख लिया है। देखो मैं ट्रेनिंग कर रहा था भाई, ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों इवॉल्व हो गए, तो फिर मैंने भाई सोचा चलो इवॉल्व कर ही देते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने इनको इवॉल्व कर लिया भाई और बाकी इनको मैंने अपनी टीम में रख लिया। साथ ही साथ अपन ने हिसुइन जोरवा को पकड़ा था, तो मैंने उसको भी अपनी टीम में फ़िलहाल रख लिया है, क्योंकि मैंने सोचा भाई मतलब अब नए जैन के जो पोकेमोन होंगे वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इसके लिए मैंने रख लिया। बाकी गाइस आज अपन को आगे जाना है और आगे देखना है कि क्या होता है, बाकी सब तो अपन को पता ही है, वैसे आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। बाकी यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पोकेमोन सेंटर भी है जो कि लास्ट टाइम मेरे को पता नहीं था, बट अब की बार भाई मेरे को पता चल गया। यहाँ पे बाजू में ही था, मैंने देखा नहीं था भाई, बट पता चल गया मेरे को। तो यहाँ पे देखो ये जो लड़की है ना छोटी वाली, इसको मैंने हरा दिया भाई, मतलब ऑफलाइन में मैं इससे बैटल कर लिया था। तो अभी अपन आगे चलते और देखते क्या होता है। बाकी जितने भी लोग को भाई गेम डाउनलोड करना है आप लोग भाई जाके डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे गेम अपलोड किया, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही साथ अगर आपको इस गेम के चीट कोड चाहिए तो भाई फिर भी टेलीग्राम चैनल चेकआउट करो, जब मैं ये वीडियो डालूंगा उसके पहले तक भाई मैं चीट कोड्स भी भाई उसमें टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो सबको चीट कोड्स भी मिल जाएंगे। मैंने थोड़े बहुत चीट कोड्स भाई ट्राई कर लिए और थोड़े बहुत बचे भाई, मैंने चीट कोड्स नोट डाउन कर लिया, बट उसको टेस्ट करना बाकी है। जैसे एक बार सब टेस्ट हो जाएगा मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग भाई वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो जितने लोग को भाई चीट कोड चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलती रहती है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे भाई ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको मतलब पोकेमोन के अलावा भी और कुछ मिलते रहेंगे, तो उसको भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर जाओ, बाकी गेम के ऊपर फोकस करते हो। और यहाँ पर बनेदी को अपन ने फेन किया और इसका अगला पोकेमोन स्नोवर है जो कि आइस एंड ग्रास टाइप पोकेमोन है। इसके लिए अपन को ना कुलावा भेजना चाहिए, एकदम बेहतरीन चॉइस है भाई। वैसे मैंने चामंडो को पीसी के अंदर डाल दिया, बिकॉज चामंडो को लिटरली मैंने बहुत सारे गेम्स में यूज़ किया है और यहाँ पे गलती से मैंने टैकल मार दिया था, बट इसको अपन मारेंगे फ्लेम व्हील। चलो ये फेंट हो गया, बहुत बढ़िया, मतलब डबल इफेक्ट हुआ था ना यार, ग्रास भी आइस भी, तो दोनों के ऊपर इफेक्ट हुआ था। बाकी हिसुइन स्नीज़ल है यहाँ पे, इसको फेंट करने में भी टाइम लगेगा, ये डार्क टाइप भी है शायद से। कॉटी मारे क्या? चलो कॉटी पता नहीं कौन सा अटैक है यार, कट अटैक है शायद से, हाँ कट, जहाँ तक मेरे को याद है कट अटैक ही है वो, हाँ कट है भाई, कॉटी मतलब कट, सही सही पकड़ा है भाई, मैंने सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा भाई। चलो चलते भाई, ओके मास्टरम का लेवल 26 हो गया, बहुत बढ़िया, ओके चलो आगे चलते भाई। अरे मेरे दोस्त क्रो गंग कैसे भाई, आई होप मेरे पास रिपल्स हो। ओ भाई रियोलू पकड़ देगा इसको, लेवल 21 का है, पकड़ लेते, ज़्यादा कम नहीं है लेवल इसका, पोकी बॉल तो होंगे, सुपर बॉल ही है भाई, दो ही हो भी, आज आज अरे यार अब अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी इसको मैं फेंट करूँ या ना करूँ यार, क्या करूँ यार, अरे फेंट नहीं हो, अब की बार ट्राई करते, एक ही बॉल है, आना होगा तो आएगा वरना फेंट, क्या यार योलू यार तू भी, चलो कोई बात नहीं, बट फेंट कर देते और कर भी दिया मैंने। अब मेरे पास पोके बॉल्स भी नहीं बचे भाई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता बाकी, और यहाँ पर पोके मार्ट है भी नहीं, और मेन दिक्कत ये कि मेरे पास हाथ से रिपेल भी नहीं है, आई थिंक हो भाई मेरे पास एंटी पैरलिस, क्या मालूम क्या है ये रैपिडा डेस्परेट और शिफ यू पता नहीं क्या लिखा यार, ये बड़ी दिक्कत यार। देखो स्पैनिश में ना काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बेहतरीन गेम्स बने हुए, बट उनके लैंग्वेज के चलते हम लोग खेल नहीं पाते यार उनको, और ये गेम भी मैंने इसीलिए खेला था कि उसकी इसके अंदर नई रीज़न वगैरह थी और जन नंद के पोकेमोन भी थे भाई, और हिसुइन फार्म्स तो आप लोग ने देख ही लिया भाई, हिसुइन फार्म्स तो ऐसे ही रोड पे ही बिखरे पड़े, तो मैंने सोचा था भाई कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और भले गेम थोड़ा मतलब स्पैनिश में क्या हुआ अपन खेल लेंगे भाई, बट आप लोग का रिस्पॉन्स भी कम आ रहा है और मेरे को कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, मैं गेम को तो कम्प्लीट कर ही दूँगा अब की बार। मैंने पोकेमोन क्विटसेल खेलना शुरू किया था, बट उस टाइम मेरा सेकेंड चैनल डिलीट हो गया और उसके चक्कर में मैंने भाई उसको एकदम ही छोड़ ही दिया, फिर बाद में मैंने सोचा चलो अब नया गेम स्टार्ट करते, क्या उसको खेलेंगे, पनौती हो गया साला क्विट से अपने लिए बाकी कोई दिक्कत नहीं, और चलो देखते हैं। अब यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह भी खुलने वाले, तो फिर अब और दिक्कत होने वाली है भाई, और मैं फर्स्ट ईयर में जाऊँगा यार, हाँ हाँ हाँ, जिंदगी अब दो तीन साल जो पाँच साल बचे ना अभी आगे गए, उसके बाद भाई
ज़िंदगी में टेंशन नाम का जो शब्द रहता है ना वो आने लगेगा ज़्यादा, मतलब अभी थोड़ा कम आता है बहुत ज़्यादा आएगा। बाकी अपन गेम खेलेंगे यार, फ्यूचर की बात कही तेल लेने यार। ए भाई पॉइजन अपने मत मार यार, मत मार तू, मत मार, पॉइजन फेंट कर देता यार। कोई बात नहीं, अपन खुलावा भेजते हैं और इसको टैकल, चलो फेंट हो गया ना बस, और कोई दिक्कत नहीं। उसकी कोई तो एबिलिटी है साथ से जिससे उसको पॉइजन कर दिया यार, जाते जाते पॉइजन कर देता यार। बट बात नहीं है वैसे, दिक्कत नहीं है, मतलब एक दिक्कत है कि फेंट हो जाएगा। ये रेपेल है साथ से, हाँ रेपेल है, नाम से ही पता चल गया रेपेल है। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रेपेल फालतू में यूज़ कर लिया, पता है मेरे को करना नहीं चाहिए था यार, शिट मैन। वैसे मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ, मगर ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ करने से ना भाई सीख मिलती है, गलतियाँ करो फिर सीखो। और मेरे को कुछ दिखा है और वो चीज़ मैंने नहीं किया, मैं करूँगा उस चीज़ को। देखो यहाँ पे कट यूज़ करने से, अच्छा यहाँ पे ट्रेनर बैटल, ये किस लिए भाई? यहाँ पे कुछ आइटम्स वगैरह के, अच्छा हाँ इटर मैक्स, पता नहीं क्या चीज़ का क्या आइटम है। यहाँ पे देखते कुछ बैटल्स होंगे, अरे ये तो ल्यूकस या फिर एलियो जो भी है भाई उसके जैसा लग रहा है। मेरे को ठीक से इसका नाम पता नहीं क्योंकि मैं दोनों में कन्फ्यूज रहता हूँ भाई, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट मेरे को सेम दिखते, ऑलमोस्ट ज़्यादा देखा नहीं है मैंने, बट ठीक है एलियो वरना ल्यूकस है इसका नाम भाई, जहाँ तक मेरे को याद, शायद से ल्यूकस ही है, पता नहीं यार याद नहीं मेरे को। इनको छोड़ के जा रहा था भाई, बताओ यार मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ मैं। बॉम्बो फैंगो लगी गई नहीं, अरे यहाँ लेविटेशन ग्राउंड रॉक मारिए तो लगना चाहिए, अवेलिंच रॉक, अबे अवेलिंच आइस टाइप मूव होता है बे, मार एक और मार, चलो एक और बस। अबे ये अवेलिंच ये आइस वाला नहीं, ये रॉक स्लाइड मूव है, रॉटम को भी यही मारेंगे और क्या मारते भाई। मारियो भाई खुद को मत मारियो, अरे यार उसको बोला था मैंने तेरे को नहीं, मार उसको मार उसको मार, अरे यार तू क्या यार अटैक मिस करवा रहा है यार। वैसे भी उसका इलेक्ट्रिक टाइप अटैक मास्टर वो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा यार, हालांकि उसके पास दूसरा होगा अटैक तो अपन अपनी लग जाएगी। मारना यार, अरे वाह क्या मार है, अरे फिर से नहीं मार दे इस बार, शिट मैन क्या यार ये पता नहीं क्या कर रहा है यार ये नलायक आदमी। चलो बहुत बढ़िया फेंट हो गया वो, कौन आ रहा भाई अभी, मॉनफर्नो आज नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तू ये खा ले बस 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 बस, अरे यार शिट मैन गलत किया उसने। कोई बात नहीं अपन हिटमैन चैन भेजते और इसको ये मारते, अच्छा लगा। और फायर नहीं इलेक्ट्रिक मारेंगे, आइस तो काम नहीं करेगा उसके ऊपर क्योंकि फायर टाइप है अपन, अरे यार सेम मूव नहीं कर सकते, फायर पंच ही मार दे काम को। चलो फेंट हो गया बहुत ही बढ़िया, इस बार कौन आ रहा है, ब्रॉन्ज और इसको अपन फायर मारेंगे ना स्टील, अरे यार ये मारे कि नॉर्मल लगाए तो कम डैमेज देगा क्योंकि फायर, ओके अब ये फेंड हो जाएगा बहुत बढ़िया, जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ, एक नंबर काम हो गया। कौन सेल्लॉस, इसको अपन मारेंगे आइस वाला, मे भी फेंड हो जाए, अरे नहीं हुआ कोई बात नहीं। अरे यार ऑलमोस्ट हो गया था बट रुक गया वो, ये खा ले चल, फेंट, अरे यार क्या दिक्कत, बड़ी वाली दिक्कत हो जाती है यार, अटैक मिस फिर उसने प्रोटेक्ट कर लिया, सब एक साथ ही होता है ना। तो चैम्पियन टोरो, ओके मतलब गेम के क्रिएटर ने एक काम अच्छा किया कि उसने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को भाई ऐड करके रखा है गेम में, जो कि बेहतरीन बात है भाई, सच में बेहतरीन बात है। यहाँ पे एक और है वो, और इसमें देखते कौन आता है, इसमें भी कोई होगा चैम्पियन, ओके चैम्पियन डॉन, चलो डॉन कैसी है डॉन, बड़े दिनों बाद दिख रही है तू मेरे को, इसके लिए अपन पिकाचू भेजेंगे। एक्चुअली मेरे को पता नहीं मैंने पिकाचू क्यों रखा, बट एक मतलब अच्छा चीज़ ये है कि पिकाचू ना कोई भी बैटल में एंड में जिता दे तुमको, मतलब वो जिता देगा। ऐश को देख लो भाई, सारे मेन बैटल्स ऐश को पिकाचू ने जिता है, एक दो को छोड़ के। ऑरेंज आइलैंड में किसने जीता है, पिंकाचू, और सबसे बड़ा चैम्पियनशिप उसको किसने जीता है, पिंकाचू एक लेवल दो लेवल जो स्टार्टिंग में स्नाइवी थी उससे आ सकता है, मगर बड़े बड़े बैटल्स लैटियस को हराना, लेजेंडरी को हराना, मिथिकल को हराना, पिकाचू हारेगा उसमें। अबे क्या बोल रहे हो यार तुम लोग, सपना देख रहे हो क्या,
हाँ लियोन के चार्लीजार्ड को भाई बड़े बड़े पोकेमोन नहीं हरा पाए, पिकाचू ने हरा दिया भाई, पिकाचू बताओ यार। अरे एकदम मतलब पिकाचू की बात ही कुछ और है यार, मेरे को तो लगा था ऐस गए हो भाई, ऐस का कोई चांस नहीं जीतने का, बट मैं पिकाचू को भूल गया था उस टाइम भाई कि पिकाचू कुछ कर सकता है। भाई साहब पिकाचू ने कर ही दिया सच में, मेरे को तो लगा था ऐस गए हो भाई नहीं जीतेगा। और हमें पोकेमोन की जो सीरीज भाई जो र्यूमर्स आ रहे थे कि एंड हो जाएगा ऐस कचम नहीं रहेगा वो सब फेक है, बट सब सही निकला यार। और वो देख के पहले तो काफ़ी बुरा लगा, फिर मैंने सोचा भाई चलो पोकेमोन कंपनी वाले भाई इतना मतलब कुछ ना समझी नहीं की उतनी बड़ी। देखो पुराने फैंस में भी थोड़े नाराज़ हो, बट पोकेमोन फ्रेंचाइजी जो है ना भाई वो नए फैंस भी ढूंढेंगे ना यार, और जो आजकल जो यंग जनरेशन के बच्चे भाई उनको कुछ नया देना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अरे इस लड़की को मैंने नहीं हराया था क्या? देखो आप पुराने फ़ैन हो आप भले ही पसंद ना करो, बट जो नए फैंस होंगे उनको भाई एक नया कार्टून लगेगा और वो लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे मे बी। और ऐसा नहीं कि सबने छोड़ दिया भाई, नई सीरीज अभी भी बहुत सारे लोग देखते हैं भाई जो पुराने व्यूअर्स है पोकेमोन के। और मेन बात क्या है पता है, लोग बदलना नहीं चाहते यार, लोग बदलना नहीं चाहते, और फिर बाद में वही लोग गवर्नमेंट को गाली देते कि गवर्नमेंट भाई पुरानी सिस्टम को चेंज नहीं करी। अरे यार आप खुद नहीं बदलना चाहते हो, अभी देखो पोकेमोन कंपनी वालों ने चेंज करने की कोशिश की, पब्लिक का सपोर्ट ही नहीं है, तो आप लोग ऐसा बताओ कि कोई क्यों कुछ बदलना चाहेगा जब पब्लिक का सपोर्ट ही नहीं होता। ऐसा ही गवर्नमेंट काम में भी होता है, गवर्नमेंट अगर कुछ सोच समझ के बदल रही है ना तो पब्लिक का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा वियर्ड आता है उसके ऊपर, फिर भाई ऐसा होता है कि कोई नया चीज़ ट्राई करने का सोचना ही नहीं चाहता भाई, क्योंकि पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करती एट द एंड ऑफ द डे। तो वही चीज़ है, बाकी सब ठीक ही है। अगर ऐसा सीन हो कि अगर मतलब पोकेमोन कंपनी ने कुछ नया ट्राई किया, उसको आपने थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा देखा, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकाले तो बात लगे, लोग पहले ही चिल्ला रहे भाई बेकार है बेकार है, एक एपिसोड आया नहीं बेकार है बेकार है। तो वो चीज़ है भाई, बाकी मैं ऐसा नहीं बोल रखी उसको बिल्कुल ही, बट ये चीज़ भाई एक टाइप से देखोगे तो ज़रूरी भी थी, बट पुराने फैंस के दिल पे लग जाती है ना यार, अपन ने आज किचन को बचपन से देखा है तो अपने तो दिल पे लगने ही वाली है। बाकी अगर आप एक मैच्योर व्यू से देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ एक टाइम पे वो सही भी है, पूरा ही गलत नहीं है भाई वो। बाकी मैं इसमें कुछ पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहता भाई, मेरे ख्याल से सही भी है गलत भी है जो भी है सब सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये बात बोल के आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा सिर पटक के मतलब नहीं है उसके ऊपर, आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पोकेमोन एनिमी देखना बंद कर सकते हैं, बाकी गेम खेलेंगे और क्या, गेम तो खेलना है अपन को। चलो यहाँ पे देखते हैं डाक वाला मार भाई, एक काम कर ये बाजू वाला डाक वाला मार, एक काम कर तू जा भाई बैक के अंदर, मास्ट टॉम को आने दे, मास्ट टॉम पटक के मार इसको, मेरे को नहीं पता तू वाटर वाला अटैक मार, हेड ये वाटर पल्स है भाई ये अटैक, एनिमेशन से पता लगा मेरे को। क्रैनेडोस भी जाएगा वाटर से, बिकॉज एक ग्राउंड है या रॉक टाइप तो है, दोनों में से एक तो है, बाकी मेरे को पता नहीं बट एक है, श्योर नहीं हूँ मैं बट एक है। एक है ना बस, दोनों भी वाटर के अगेंस्ट मतलब वीक होते हैं, तो फिर मैंने उसका फ़ायदा उठाया। अरे तू जा रे भाई, छुट्टू है अभी तू, छुट्टू छोटो है, छोटू अभी तू जा, बाय 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 अंकल, आप दिखते काफ़ी सही हो यार, मेकअप वगैरह बहुत अच्छा किया आपने। ए भाई चलना अभी बहुत हो गया, अरे छोटे क्या यार काले काले कोट में, जीवानी का बेटा है क्या तू, लग तो ऐसा ही रहा, कपड़े देखो ना जीवानी ब्लैक ब्लैक पहनता, ये भी ब्लैक, मतलब गेम्स के अंदर तो जीवानी ब्लैक पहनता है, एनिमी के अंदर वो ऑरेंज वगैरह जो भी पहनता है, बट गेम्स। अरे मंचलैक्स तुसी ग्रेट काम कितना यार, मज़े आ गया तुमसे बैटल करके, अरे मार यार, यार चलो ठीक है, कौन आ रहा है मैं, अरे ब्यूजल कोई बात नहीं, ब्यूजल वाटर टाइप है यार, मास्टर को कहीं फेन कर पाता वो, स्टारिविया को भी अपन यही मारेंगे, ये भी वन हिट हो जाएगा, बढ़िया मज़ा आया भाई बढ़िया एकदम, जैसा सोचा वैसा हो गया जीवानी का बेटे। अरे यार मत परेशान कर यार, तेरे को समझता नहीं क्या यार बात, एक चपड़गंज जो टकलू है, पोकेबॉल तो है नहीं मेरे पास, रेपेल नहीं है तो पोकेबॉल कहाँ से, गलत फंसा यार गलत फंसा मैं, यहाँ नहीं आना चाहिए था, बच गया इससे, टकलू राम से बचा हूँ, ये भी गलत, अरे मेरे भाई क्यों यार ऐसा मेरे साथ हुआ, अरे तेरी भैंस की क्रोगंग, तू अच्छा पोकेमोन है मेरे को पता, बट अभी मत तंग कर यार मेरे को, चिंगलिंग मेरे को घंटी नहीं बजाना यार, स्कूल में जब घंटी बजती थी मेरे को वही घंटी पसंद है, बाकी सब बेकार लगते हैं मेरे को,
स्कूल में बच्चे थे ना, टन 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 रिसेस की घंटी, उसमें तो मज़ा आता था। स्कूल की छुट्टी की घंटी में तो एकदम मस्त मज़ा आता था भाई, बहुत अच्छा लगता था। टन 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 टन, खुशी का एक दूसरा मतलब, वो एक ऐसी घंटी थी जिसके बजने के बाद हमको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलती थी। और वही घंटी भाई जब रिसेस ख़त्म होने में बजती थी तो थोड़ा दुख भी होता था, बट हम मैनेज कर लेते थे यार। चलो यहाँ पे कौन आया अभी, क्रैनेडोस, एक काम कर तू ये खा, रियोडा फ्यूवियो जो भी हो नाम, मेरे को स्पैनिश नहीं आता ना यार। हमें अगर सीखने की कोशिश भी करूँ तो सिक्की में मैं क्या उखाड़ लूँगा भाई, मेरे को थोड़ी स्पेन में जाके काम करना है। नहीं एक रीज़न हो तो समझ में आए भाई, अगर मेरे को स्पेन में जाने का इंटरेस्ट हो, या फिर मेरे को सामने से ऑफ़र आए किसी बड़ी कंपनी का स्पेन में से जो मेरे को 1-2 करोड़ महीने का देंगे, तो मैं सीख भी लूँ, वरना मैं क्यों सीखूँ यार। और मेरे पास इतना टाइम भी कहाँ है कि मैं उस मतलब लैंग्वेज सीखने बैठूँ, मतलब क्या बताऊँ यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता आप लोग समझ सकते हो क्योंकि आप लोग भी मेरे जैसे स्टूडेंट हो मोस्टली। एक स्टूडेंट का अंदर स्टूडेंट नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा यार, गवर्नमेंट तो समझने से रही भाई। गवर्नमेंट को समझ में ही आता तो फिर वो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है कब का चेंज कर दिए देते, ठीक है तो उनको तो छोड़ ही दो। मेन दिक्कत क्या पता है, ऐसे ना अपने अंदर ही लोग भरे पड़े जो ये चाहते हैं अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज ना हो, और उसमें से काफ़ी सारे टीचर्स हो। टीचर्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो कोचिंग इंडस्ट्री चलाते ना वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाई एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा बहुत चेंज हो। जो रियल टीचर्स होंगे तो भाई 100% बोलेंगे चेंज हो, बट जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है वो कुछ बोलेंगे भाई जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है चलने दो, जब तक उनका जेब भर रहा है ना तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये रियलिटी है यार, रियल वर्ल्ड में जब तक जब मतलब जिसको किसी से मतलब नहीं होता ना, जो जिसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, जब तक उसका जेब भर रहा है ना उसको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जिस दिन उसके जेब में कम पैसे जाने लगे ना उसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगेगा, सबसे ज़्यादा आवाज़ में चिल्लाएगा अरे चेंज कर रूल जल्दी चेंज कर। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपन सिंह वाले को मारेंगे। वैसे जानवर को मारना बुरी बात है, बट ये पोकेमोन है और पोकेमोन के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, वरना अपन फंस सकते थे। हाँ यार मारना बुरी बात है, अरे यार एक एचपी पे बसते ना मन करता पटक के मारूं, मन करता पोकेमोन छोड़ो मैं घुस जाऊं अंदर ले चमाड़ी चमाड़ दूं यार। लेवल 26 बढ़िया। चलो अरे तिजा मराठी में गाली देने वाला था मैं। इसीलिए तो देखो मराठी मेरे को भले अच्छे से बोलनी ना आती हो, गालियाँ आती है भाई मेरे को। और गालियाँ क्यों आती हैं, दोस्त बड़े अच्छे मिले ना मेरे को इसके लिए। और आप लोग मेरे को बताना सच सच, आप लोग स्कूल में क्या करने जाते हो? मैं स्कूल में 2 काम करने जाता था, दोस्तों से मिलने और थोड़ा मस्ती वगैरह करने। पढ़ाई तो हम क्लासेस में करते थे यार, स्कूल में पढ़ाई हो जाए तो फिर क्लासेस बंद ना हो जाए यार कब की। स्कूल में क्या सीन होता पता है, और स्कूल में तो कोई ऐसा सीन होता ना जो टीचर्स आते ना, पहले तो भाई बच्चे काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े होते भाई। मेरे क्लास में लिटरली बता रहा हूँ भाई, ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिसमें 50 से कम बच्चे हो, 50-60 के बीच में रहते थे बच्चे। और जब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती थी तो स्कूल वाले दिमाग लगा के एक नया डिवीज़न खड़ा कर देते थे। मतलब मेरे स्कूल में एक मतलब एक जो क्लास है समझो आप 8, 9 या फिर 5th में, तो एक डिवीज़न मतलब एक क्लास में एक स्टैंडर्ड में भाई FG तक H तक डिवीज़न चले जाते थे, और हर एक क्लास में भाई 50-50 बच्चे 60-60 बच्चे ठूस के भरते थे। और स्कूल बताओ प्राइवेट भाई, और ऐसा नहीं है हम लोग मतलब ऐसा है जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना उस स्कूल में भाई माना जाना स्कूल है वो, मतलब नाम काफ़ी ज़्यादा चलता है और फीस भी उस हिसाब से थी, फिर भी भाई इतनी ज़्यादा आबादी थी। तो इससे एक बात ये समझ जाओ आप लोग कि इंडियन पेरेंट्स जो है ना भाई वो पढ़ाई के नाम पे दुनियादारी सब कुछ कर सकते भाई, सब कुछ अपने आप को गिरवी रख देते भाई कितने लोग, तो फिर भी होता कुछ नहीं उनके बच्चों का, वो बात अलग है, कुछ गिने चुनों का होता है, 100 में से किसी एक का हो जाएगा तो उसी के ऊपर एग्जाम्पल देके सब वही काम करेंगे। अबे क्या करते यार मेरे को समझता नहीं यार, अबे मतलब 100 में से कोई एक बच्चा गलती से निकल गया तो सब लोग अपने बच्चे को मतलब उसको बेचारे को, देखो बच्चे लोग भी ना काफ़ी सारे देखो ऐसा सब बोलते ना कि अगर तुमको नहीं जम रहा है पढ़ाई तो तुम अपने मम्मी पापा को सीधा बोल क्यों नहीं देते। अरे यार काफ़ी सारे लोग बोल देते बट मम्मी पापा समझने को तैयार ही नहीं होते यार। अब ऐसा मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ मतलब मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, मैं पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक हूँ, मार्क्स वगैरह भी ठीक ठाक आ जाते हैं, बट लिटिल यार जो स्कूल में मेरे को पढ़ाते ना मेरे को बिल्कुल जमता नहीं हो पढ़ने को।
हिस्ट्री में पढ़ाएंगे भाई, राजा महाराजा ने ये किया, चार शादी की, ये किया, वो किया, इसको मारा, उसको मारा। भाई मैं क्या करूँ यार, मारा तो मेरे को कहाँ काम आ रहा है भाई रियल लाइफ में। ये मेरे राइवल है मेरे को लगता है। अरे यार राइवल सुंदर है बट ठीक है ना यार, मतलब ऐसा थोड़ी करना चाहिए इसको। आइस टाइम मार, रियल लाइफ में कहाँ काम होता है यार, मतलब पढ़ाई का मोस्टली। अपन को देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब पढ़ाते, रियल लाइफ में उसकी काफ़ी कम यूसेस है। अगर आप कोई स्पेसिफिक फील्ड में ना जाओ तो रियल लाइफ में बिल्कुल यूज़ ही नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। फिजिक्स में पढ़ाते भाई ग्रेविटी ये सब, इलेक्ट्रिक करंट ये सब, वो सब भाई, कंडक्टर ये, सेमीकंडक्टर ये सब। अगर आप स्पेसिफिक फील्ड में ना जाओ तो रियल लाइफ में ऐसा नॉर्मली काम नहीं आएगा आपको, जहाँ तक मेरी समझ है उस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी बायोलॉजी में तो भाई घास फूस पेड़ पौधे ये वो ऐसा वैसा। अबे थोड़ा सा जनरल नॉलेज दे दो कि अगर किसी को नॉर्मल बुखार हो जाए तो कौन सा टेबलेट खा सकता है, किसी को चोट लगी तो क्या, मतलब किसी को चोट लगा हाथ पाँव मतलब कुछ कट गया, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो घर पे वो मतलब नेचुरली जो चीज़ होती है उसमें से क्या वो बना के उस पर लगाए जिससे ब्लीडिंग रुक सके, ऐसा कुछ सिखा दे तो फिर ऐसा थोड़ा इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। बट वो ऐसा सिखाएंगे ऐसे इसमें ये पेड़ होते हैं, इसके अंदर ये स्पीसीज होती है, उसके अंदर 1,000,000 स्पीसीज होती है, उसके अंदर 50, तेल लेने जाए दुनियादारी। हम बोलते मतलब ही नहीं यार, हम मस्त बैठ के बात करते यार, पक जाते यार। अबे एक स्पीसीज का नाम याद होता नहीं, और स्पीसीज के नाम भी ऐसे वैसे, पानी वाले को ये कहेंगे, ज़मीन पर रहने वाले को ये कहेंगे, फिर पानी और ज़मीन में जो दोनों में रह पाएगा उसको ये कहेंगे, फिर उसमें 10,000 स्पीसीज होती है, उसके अंदर भी फिर छोटे छोटे मैक्रो होते हैं, फिर माइक्रो होते हैं, फिर ये होते हैं। पका डालते यार पूरा, कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं मुझसे बताना ज़रा। बाकी तो यहाँ पे अपन एक नई सिटी के अंदर आए, जो कि मेरे को सैफ्रन सिटी का पोके मार्ट लग रहा है, मतलब सुपर मार्केट। चलो ठीक है, अपन पोके सेंटर चलते पहले। सेंटर कहाँ गए भाई, हेलो भाई, नए रूट पे कहाँ फेंक दे रहे हो यार, सेंटर तो मिलता नहीं पोकेमॉन तुम्हारा। अच्छा ये रहा। ओके गाइस, आज का अपना एपिसोड ना वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, अपन को बीच में रियोलू दिखा था बट अपन पकड़ नहीं पाए बिकॉज अपना पोकेबॉल ख़त्म हो गया था, तो वो एक सीन है भाई, वरना अपन पक्का पकड़ लेते उसको, कोई डाउट नहीं उसमें। बट आज अपन भाई बाहर आ गए केव से, और अपन ने भाई मतलब वो ल्यूकस जो भी था ल्यूकस डॉन से बैटल किया, और साथ ही साथ रिवोल को पकड़ने की कोशिश की थी अपन ने, बट वो आया नहीं। बट कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम उसको पकड़ लेंगे भाई। यहाँ पे देखो एथर मिला अपन को, एथर जो भी लिखा हो वो मिला। बाकी गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, बाकी मिलेंगे कल एक नई वीडियो में गाइस। तब तक के लिए आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को एंड हैव अ गुड डे।